हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल जॉब रोल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। पहली जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको एटो सेंट्रल कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है, सेकंड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको इन्फोसिस कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है एंड थर्ड जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको ऐप इन्वेंटिव कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है। तीनों ही जॉब रोल अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है आप सभी के लिए। अगर आप 2020, 2021 एंड 2022 बैच से बिलोंग करते हो तो आप इन अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि सभी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। सो गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक के जरूर देखें ताकि आप किस तरह से राइट वे, किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो आपको पता चल जाएगा गाइस। ओके, उससे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑफ कैंपस लाइव रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे देखने मिल जाएंगे। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है चैनल। एंड बहुत सारे ऑफ कैंपस लाइव ऐसे है जिनकी अप्लीकेशन लिंक अभी भी एक्टिव है, तो वहां जाके आप उन लिंक में अप्लाई कर दीजिए, उन जॉब रोल अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आपको एटो सेंट्रल कंपनी की तरफ से देखने मिल जाती है। तो गाइस, एटो सेंट्रल में आप देख सकते हो 2021 बैच की हायरिंग की जा रही है, 2021 फुल टाइम ग्रेजुएट ओनली फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप बी बीटेक कैंडिडेट्स हो सीएस आईटी ईसी ट्रिपल ई एंड डबल ई ब्रांचेस से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक के साथ एमसीए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस कंप्यूटर एप्लीकेशन ब्रांच से हो तो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 60% का क्राइटेरिया है, 10th में, 12th में एंड ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए आपके एंड कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करते टाइम। ओके, और मैक्सिमम 1 ईयर का ब्रेक अलाउड है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ड्राइव लोकेशन ऑनलाइन, इसका मतलब सभी चीजें ऑनलाइन होने वाली है, टेस्ट से लेके इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास गुड रिटन एंड वर्बल इंग्लिश स्किल है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल टू वर्क इन एनी शिफ्ट मेंशन किया गया है। यहाँ पे 3 शिफ्ट देखने मिल जाती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, तो तीनों ही शिफ्ट में वर्क करने के लिए आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जॉब लोकेशन की बात कर ली जाए तो पुणे, मुंबई, चेन्नई, तिरुनवेली, इस तरह से मल्टीपल जॉब लोकेशन आपको देखने मिल जाती है। ओके, तो ये सभी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। एनी जॉब रोल अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, आई हैव रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिल जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है जहाँ पे आधार नंबर, पैन डिटेल्स, ओके, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, आपका आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे आप सिटी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, सभी चीजें ऐड करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस, सेकंड रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है इन्फोसिस की तरफ से, जहां पर आपको प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल देखने मिल जाता है। इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड की जॉब होने वाली है जिसकी लोकेशन आपको पुणे देखने मिल जाती है। तो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल है पुणे लोकेशन से, जहां पे आपको 0 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहां पे आप देख सकते हो, इसका मतलब अगर आप 2020 या 2021 बैच से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 2022 बैच के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप 2020 एंड 2021 हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो अगर आप बी या बीकॉम कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बी एंड बीकॉम कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कंफर्ट होना चाहिए एंड आप टेक से भी होने चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। एबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज इशू रेज टू प्रोवाइड रिजोल्यूशन, मस्ट एबल टू सक्सीड इन हाईली ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ओके, सो यस, कस्टमर सर्विस का आपका स्किल्स होने वाली है, प्रिफर्ड स्किल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको अप्लाई बटन देखने मिल जाता है जहां से आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट जॉब रोल जो अपॉर्चुनिटी आ जाती है गाइस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप इन्वेंटिव की तरफ से आपको जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो कि 2022 बैच के लिए होने वाली है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देता हूँ जो कि आ जाती है अनअकैडमी की तरफ से। तो गाइस, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जहां पर आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देखने मिल जाती है फॉर गेट 2022। टेस्ट योर एग्जाम रेडीनेस वन लास्ट टाइम विद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट की एग्जाम देने वाले हो 2022 में, तो यहाँ पे आप अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हो, डेमो टेस्ट दे सकते हो, जहां पर आपको डेट्स देखने मिल जाती है 2nd of Jan, 9th Jan, 16th Jan, 23rd एंड 30th Jan। ओके, ये मल्टीपल डेट्स देखने मिल जाती है जहां पर आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। सिंपली आपको हमारा कूपन कोड यूज करना है आशु45। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होने वाली है, क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। तो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स है गाइस, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देने वाले एंड डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी अनअकैडमी की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, सीएसआईटी, ओके, सीएच, केमिकल इंजीनियरिंग, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट देखने मिल जाती है।
टेस्ट में आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे, जहां पर आपको टाइम देख सकते हो 2:30 to 5:30 का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, एंड एंटायर सिलेबस पे आपकी टेस्ट होने वाली है, टोटल आपके 65 क्वेश्चन होने वाले। ओके सो यहाँ पे आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, जहां पर आप अपना लेवल पता कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड आपका आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ये आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट के थ्रू। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एंड न्यू बैचेस लॉन्च हुई है गाइस फॉर गेट 2023 एंड 2024, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। न्यू बैचेस में 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है एंड इसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है आशु45। ओके तो ये चीज आप चेकआउट कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है क्लास के टाइम पे तो आप हैंड रेस करके अपनी क्वेरी डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो, एंड अनअकेडमी से आप डायरेक्टली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एक टाइम पे 3 डाउट पूछ सकते हो, एंड 1-to-1 लाइव मेंबरशिप भी मिल लाइव मेंटरशिप भी मिल जाती है आपको अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ओके स्पेशल क्लास के मल्टीपल फीचर्स भी है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर लीजिए, एंड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लास्ट जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आ जाती है ऐप इन्वेंटिव की तरफ से, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनी एंड डेवलपर का जॉब रोल देखने मिल जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद टेक्निकल राउंड 1 एंड 2 आ जाता है आपके सामने, फिर उसके बाद आ जाता है एचआर राउंड। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस होने वाली है और इमीडिएट ज्वाइनर्स की हायरिंग होने वाली है गाइस। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है जिसकी लास्ट डेट 7th of January है, तो जल्दी से जल्दी आपको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेगा ऑफ कैंपस ड्राइव आ रही है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, जहां पर आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब रोल देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फॉर्म देखने मिल जाता है गूगल फॉर्म, जो कि आपको फिलअप करना है, एंड यहाँ पे 2022 बैच के लिए होने वाली है अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स ऐड करना है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है सभी डिटेल्स आपको ऐड कर देना है, एंड सबमिट पे क्लिक करके इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर देना है। तो गाइज ये रही 3 जॉब रोल अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।